एक ऐसा इंसान जो कि खुद की बिजली बनाता है, एक ऐसा देश जहां लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं। क्रिकेट में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है, और क्या आपने हवा को अपनी आंखों से देखा है, और क्या आपने कभी मोदी जी की चाय की दुकान देखी है? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नंबर 30, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस अजीब इंसान मोहन ने अपने शरीर में दौड़ते वाले करंट से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। इनके शरीर में 0.25 एम्पीयर तक करंट दौड़ता है, जो किसी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। एक्सपर्ट्स ने मोहन पर बहुत सारे टेस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने ड्रिल मशीन, बल्ब और भी कई चीजों को अपने शरीर में दौड़ने वाले करंट से चला दिया। सबसे हैरानी में डाल देने वाली बात तो ये है कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है। इतने करंट से तो एक इंसान की मौत बहुत आसानी से हो सकती है। नंबर 29, एक ऐसा देश है जहां के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं है। असल में ये एक कैरिबियन देश है। यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति तेल मिलाकर उसका लेप बनाते हैं, फिर उसे धूप में सुखा के खाते हैं। नंबर 28, क्या पिज्जा खाते वक्त आपके मन में ये सवाल आया है कि पहली बार पिज्जा किसने ऑर्डर किया था और कब किया था? असल में सन 1889 में इटली की रानी मार्गरिटा सेवाई ने पहली बार पिज्जा घर पर ऑर्डर किया था, और शायद मार्गरिटा पिज्जा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा होगा। नंबर 27, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई नदी ऐसी भी है जो लगभग 24 घंटे तक उल्टी बह रही थी, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? लेकिन ये सच है। वैसे उस नदी का नाम मिसिसिपी है, और ये नदी नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। ये सब एक भूकंप की वजह से हुआ था। नंबर 26, जेम्स रैंडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको $1 मिलियन का प्राइस देगा अगर आप उन्हें ये प्रूफ कर दिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सच में होती हैं, जैसे कि घोस्ट, स्पिरिट, ये सच में होती हैं। अगर आप ये प्रूफ कर दिए तो $1 मिलियन आपके। नंबर 25, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने एक बंदर को पंजाब प्रांत में बॉर्डर पार करते हुए पकड़ लिया। उसे वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने बहावलपुर में पकड़ा था, और उस बंदर को बहावलपुर की चिड़ियाघर में बंद करके रख दिया है। सुनने में अटपटा लगता है, पर दोस्तों ये सच है। नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि हिटलर को एक समय नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिटलर ने सारी मीडिया को सरकार के कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर की एक्टिविटीज का बाहरी देशों को पता ही नहीं चला था। नंबर 23, एक अनाहिता नाम की एक बच्ची है, और इसकी मुस्कान को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान घोषित किया गया है, और इसकी उम्र सिर्फ 4 साल की है। नंबर 21, आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस को सुनाई होगा जो कि सुनने में कुछ अलग लगते होंगे, लेकिन आयरिश लैंग्वेज के बारे में इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस लैंग्वेज में यस और नो के लिए वर्ड्स है ही नहीं। अगर आपको यस और नो बोलना भी है तो आपको एक्शंस का यूज करना होगा, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 20, ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टर्की में साल 2005 में एक भेड़ ने एक चोटी से छलांग लगा दी, पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था, क्योंकि जब पहले भेड़ ने छलांग मारी तो इसके पीछे पीछे 1500 भेड़ ने भी इसे ही फॉलो किया। नंबर 19, आपने ओलंपिक प्लेयर्स को तो देखा ही होगा कि ये मेडल जीतने के बाद ऐसे मेडल्स को बाइट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मेडल को ऐसे बाइट क्यों करते हैं? असल में ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि वो पता कर सकें कि वो असली गोल्ड है या नहीं। नंबर 18, क्या कभी आपने दुनिया के सबसे पढ़े लिखे पक्षी के बारे में सुना है? सुनने में अजीब है, लेकिन ऐसा सचमुच में है। ये तोते का नाम पक है, और आप मानोगे नहीं कि इसे 1700 वर्ड्स बोलने को आते हैं, और ये 1995 से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाया है। नंबर 17, दोस्तों वैसे तो हर इंसान का खून लाल होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान का खून हरा भी हो सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल इंसान की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि इंसान का खून हरा हो जाता है, और इस कंडीशन का नाम सल्फेनग्लोबिनिया है। नंबर 16, क्रिकेट तो लगभग हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो हमें उसकी स्पीड कैसे पता लग जाती है, जबकि बॉलर हवा में गेंद फेंकता है और चारों तरफ मैदान ही मैदान होता है? पहला तो क्या कभी आपने स्पीड गन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं कि ये स्पीड गन का ही देन है, जो अपनी रफ्तार की मदद से बॉल को ट्रैक करती है और हमें उसकी एग्जैक्ट स्पीड बताती है। नंबर 15, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम हवा को भी देख सकते हैं, क्योंकि सबका जवाब ना ही होगा, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर हमारी सोच थम जाती है वहां से साइंस का करिश्मा शुरू होता है। जी हाँ, साइंस के पास ऐसा तरीका मौजूद है जिससे हम हवा को देख सकते हैं, और वो मेथड है शिलेरेन इफेक्ट। दरअसल इस मेथड में फ्लो की मदद से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। नंबर 14, दोस्तों आपने अक्सर बड़े बड़े होटलों
में बड़े बड़े किचन के बारे में तो सुना ही होगा, जो बताते हैं कि उनके यहाँ रोजाना कितना खाना बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किचन का रिकॉर्ड किसके पास है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को दुनिया की सबसे बड़ी किचन का खिताब दिया गया है। यहाँ रोजाना 1,00,000 से ज्यादा लोगों का खाना बनता है, जो कि लोगों को लंगर के तौर पर फ्री मिलता है। नंबर 13, अभी जिस इमेज को आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो वो एक एंशिएंट पॉकेट शॉपिंग लिस्ट है। पुराने समय में लोग इस तरह की पॉकेट शॉपिंग लिस्ट का यूज किया करते थे, जबकि आज टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। नंबर 12, दोस्तों हरियाणा के एक गांव में एक ऐसा गधा है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। टीपू नाम का ये गधा मिडिल इंडिया में इतना मशहूर है कि बात अगर इसकी कीमत की करें तो ये पूरे 10,00,000 का है। अपनी यूनिकनेस के चलते इसे इंडिया और एशिया में गधों का सुल्तान भी कहा जाता है। नंबर 11, आपने बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने ही बार रोमन काउंटिंग देखी होगी और उसका यूज भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमन काउंटिंग में एक ऐसा फिगर भी है जिसे डिफाइन ही नहीं किया गया? जी हाँ, इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि रोमन काउंटिंग में 0 अकेला एक ऐसा नंबर है जिसको शो करने के लिए कुछ भी नहीं बना है, इसलिए आप चाह कर भी रोमन में 0 को नहीं लिख सकते। नंबर 10, दोस्तों इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। आप एक अलग देश के पर्सन से बात करने के लिए कम से कम इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पुराना शब्द कौन सा है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि इंग्लिश का सबसे ओल्डेस्ट वर्ड टाउन है, TOWN। नंबर 9, आपने अगर तंबाकू का पैकेट देखा होगा तो आपने वार्निंग भी जरूर देखी होगी जिस पर लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। इसके बावजूद भी इसके अकेले भारत में 60% से ज्यादा लोग सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर ही तंबाकू को खाना शुरू कर देते हैं। नंबर 8, ब्राजील में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम नाओमी टोक है। इस नाम का मतलब होता है डोंट टच। इस नाम के चलते ही शायद यहाँ की आबादी सिर्फ 15,000 लोगों की है। नंबर 7, इस फैक्ट पर शायद ही आपने कभी गौर किया हो, आप शायद नहीं जानते कि आपके थंब का साइज आपके नोज के साइज के बिल्कुल इक्वल यानी सेम है। वेट, आप एक बार ट्राई करके देखिए और अगर सेम है तो कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ग्रेट राइटर सर विलियम शेक्सपियर की मौत उनके 52nd जन्मदिन पर हुई थी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और डेथ 23 अप्रैल 1616 को। नंबर 5, एक एक्सपेरिमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि टॉयलेट सीट पर जितने बैक्टीरिया होते हैं कि उससे लगभग 200 गुना ज्यादा बैक्टीरिया एक आम इंसान के कंप्यूटर कीबोर्ड पर होते हैं। नंबर 4, एप्पल आज दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल का सबसे पहला कंप्यूटर कैसा था? ये इमेज साल 1976 की है, जब एप्पल ने अपना सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, और ये इमेज साल 2020 की है। ये है एप्पल का सबसे लेटेस्ट और एक्सपेंसिव कंप्यूटर, है ना ये अमेजिंग डिफरेंस। नंबर 3, लिली फ्लावर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा लिली फ्लावर कौन सा है? जायंट वाटर लिली नाम का ये लिली सबसे बड़ा लिली फ्लावर है। इसके पत्ते तकरीबन 6 से 9 फीट तक होते हैं। इतना ही नहीं, ये पत्ते 100 पाउंड से भी ज्यादा का वजन आसानी से उठा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको भी नहीं पता कि गूगल पर एक दिन में कितने सर्च होते हैं तो जान लीजिए कि गूगल पर रोजाना 6,58,60,13,574 सर्चेस होते हैं, जिनमें 15% सर्च ऐसे होते हैं जिनको गूगल भी पहली बार देखता है। नंबर 1, दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी किसी जमाने में चाय बेचते थे, लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोदी जी चाय बेचते थे? अगर नहीं तो ये देख लीजिए, ये है स्टॉल नंबर T13। ये वही स्टॉल है जहां मोदी जी कभी चाय बेचते थे। इसी ठेले से इन्होंने पीएम की कुर्सी तक का सफर किया है। उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी से पता चलता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ मुमकिन है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और